उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के VC रूम तक जा सकूँ बैरिक से निकल। तो अब आप सोचिए, आप लोग को जानकारी आप लोग के माध्यम से ही मुझे जानकारी दी गई है जी। कोई मुझे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जो हकीकत है उसको तो सब जान चुका, तो पूरा देश जान चुका है। क्या बताया गया था सर आपको प्रशासन की तरफ से? मुझे कुछ नहीं बताया गया प्रशासन की तरफ से, मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फोन आए और इसी माध्यम से। अच्छा, 2 दिन पहले आप देखने भी आए थे और डॉक्टर ने ठीक किया था? मुझे नहीं देखने दिया था। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी हम वही बात कहेंगे सर। आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के? आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्हें माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम। मीडिया आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर आप लोग आगे? जो है सब होगा, अब ये कोई समय नहीं है कार्रवाई बताने का। सब आप लोग भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीट ठोक कर जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो, 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के VC रूम तक जा सकूँ बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।